डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ के राली चौहान में 3 दिन बाद भी चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। जिस झांकी को लाने के दौरान 6 कांवड़िए मौत के मुंह में करंट लगने से समा गए, वह गांव के बाहर ही खड़ी है। 6 कांवड़ियों के घरों में पूजा पाठ चल रहा है। महिलाओं का चित्कार, सिसकियां और मासूम बच्चों के सिर से उठ चुके साए का गम बड़े बड़ों का दिल दहला रही है। इन परिवारों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अब उनका क्या होगा। आज भाजपा के विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने पीड़ित परिवारों के बीच जाकर उन्हें अपने व्यक्तिगत अकाउंट से सहायता राशि प्रदान की। शहर के संभ्रांत व धनाढ्य लोगों से पीड़ित परिवारों की मदद की अपील के साथ ही धर्मेंद्र भारद्वाज ने बच्चों की 12वीं तक की CBSE शिक्षा दिलाने की भी घोषणा की। नंबर का बच्चा साल हो गया, हॉस्पिटल में जिंदगी में उसका इलाज चल रहा है, ICU में है साहब। दुख भर घास उनके साथ छोटे बच्चे भी गए थे, लेकिन वो उस समय ट्रोले से नीचे आ चुके, और भी बहुत बच्चे थे लेकिन वो ट्रोले से बाहर आके 25 से 30 आदमी का ग्रुप था। उनको अपने शहर से बहुत दो बच्चे और वैसे कोई हॉस्पिटल में ले जाना हो बड़े हैं। हिंदुस्तान में 4 हॉस्पिटल मैक्स है, वेदांता है, गंगाराम है, और कोई गाँव तो बता दी मोबाइल प्राइमरी में ही पढ़ते हो गाँव में ही? तीनों की शिक्षा हम कराएंगे, ठीक है? तीनों की शिक्षा धर्मेंद्र भारद्वाज जी हम कराएंगे, तीनों की शिक्षा जो है आज सर आएंगे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने यह कहा। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं आज आया हूँ, और मैं पहले ही आ जाता लेकिन मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया हुआ था। कल मैं मेरठ पहुँचा, और पहुँचने के बाद मैं जैसे मुझे जब पता लगा था तब से ही मैं व्याकुल था कि कैसी एक घटना हुई जो अकल्पनीय और एक अशोचनीय घटना है इस गाँव के लिए और उन परिवारों के लिए जिनके परिवार से किसी का बच्चा गया तो किसी का बाप गया, और बाप के सामने बच्चे का जाना और बच्चे के सामने बाप का कम उम्र में जाना, उनकी परवरिश होना, और ये सारी स्थिति को देखते हुए मुझे बड़ा दुख है। और लेकिन भगवान को ऐसा ही मंजूर था तो वो घटना हुई। उस घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं आज लोगों इन परिवारों से मिलने आया था। मैंने पीड़ित परिवारों के लिए अपनी तरफ से एक शुरुआत करी है, एक पहल करी है कि मेरठ के सभी लोग, कुछ व्यापारी हैं जो समाज के हित के काम करते हैं, उनको एक पहल का माध्यम बना हूँ मैं। मैंने प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपये सहायता राशि दी है, और ये इसलिए की है कि जिससे कि और लोग भी
उस सहायता राशि को आकर के इन्हें दे, क्योंकि जो घटना होनी थी भगवान को जो मंजूर था वो हो चुका है। अब उनकी आर्थिक मदद करके, जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति नहीं है, छः के छः परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, खाने के भी लाले हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पहल करी है। और मुझे लगता है कि मैं 5-6 लोगों से भी बात करूँगा, जो व्यापारी लोग हैं, 5 हो 10 हो, जितने भी लोग हैं, उन्हें मैं लेकर के आऊँगा और लेकर के आकर के उनसे भी सहायता कराऊँगा। और दूसरा विषय ये है कि एक परिवार का तो बाप गया, जिसका नाम लक्ष्मी सैनी है, उसके पास रहने के लिए एक कमरा है, उस पर भी कीन पड़ी हुई है, और उसमें जो 3 बच्चे हैं और उसकी जो पत्नी है, मुझे नहीं लगता कि कैसे जीवन यापन चला पाएंगे। तो उसके लिए मैंने करा है कि 3 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें 3 बच्चों को CBSE स्कूल में पढ़ाऊँगा 12th तक, और 12th के बाद, क्योंकि 12th तक पास के स्कूल में पढ़ाना चाहिए, 12th के बाद मैं उन्हें ये कहूँगा कि अभी हमारी सोसाइटी हमारे पिताजी के नाम से महावीर विश्वविद्यालय बना है, उस विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा भी लेंगे आगे, और 12th तक की शिक्षा के लिए जो भी खर्चा होगा मैं करूँगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।